ये यूटिल वर्सेस लुमिनस सीरीज का पांचवा वीडियो है। इससे पहले चार वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर आपके लिए ज्यादा परफेक्ट है, 500 वोल्ट के लिए कौन सा ले सकते हैं, 1 किलो वोल्ट के लिए कौन सा ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिल हेलिक 3000 वर्सेस एनएक्सजी 1850 मॉडल के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूटिल हेलिक 3000 मॉडल के बारे में। अगर आप इसका अनबॉक्सिंग का रिव्यू का और टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में वो वीडियो बनाया गया है और लोड भी उसके ऊपर टेस्ट करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यूटिल हेलिक जो है वो 2200 वी लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 2 किलो वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं और 2 बैटरी का इन्वर्टर है, तो 45 वोल्ट की वीओसी रेंज भी मिलती है और 2 साल की इसके ऊपर वारंटी मिलेगी। प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है, तो कोई भी अप्लायंस बड़ी आसानी से इसके ऊपर आप चला सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो लगभग 14000 रुपए में ये आपको मार्केट के अंदर मिल सकता है। ऑनलाइन ये महंगा भी मिल सकता है, लेकिन जो इसका जनरली मार्केट प्राइस है वो 14000 रुपए है। और जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है उसके अंदर भी हमने पहले बताया था कि इसका जो प्राइस है वो 14000 रुपए है, ऑनलाइन ये थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनएक्सजी 1800 मॉडल की, तो वो 1500 वी लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, 1500 वोल्ट के पैनल भी लगा सकते हैं, डबल बैटरी का इन्वर्टर है, तो उसके अंदर आपको 60 वोल्ट की वीओसी रेंज भी मिलती है, तो उसके ऊपर बाईफेसियल सोलर पैनल को भी बड़ी आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ में 130 वोल्ट के पैनल का उपयोग करें, क्योंकि अगर आप हाई वीओसी का पैनल लगाते हैं तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उस हाई वीओसी को वो फिर करंट में कन्वर्ट नहीं करता है, तो ऐसे में जो हाई वीओसी है वो फिर वेस्ट जाती है। जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि आपके सोलर पैनल की तरफ से आप पहले ही मैक्सिमम करंट को बढ़ाने की कोशिश करें, यानी कि अगर आप 330 वोल्ट के 3 पैनल लगाते हैं और 250 वोल्ट के 4 पैनल लगाते हैं तो 250 वोल्ट के 4 पैनल से आपको ज्यादा करंट मिलेगा एज कम्पेयर टू 330 वोल्ट के पैनल से पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के अंदर। एमपीपीटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एमपीपीटी के अंदर आप कोई भी पैनल मुंह उठाकर लगा सकते हैं, सिंपली आपको जो वीओसी रेंज है वो हाई रखनी होती है सोलर पैनल की तरफ से। तो यहाँ पर दोनों इन्वर्टर के अंदर जो यूटिल हेलिक है उसके अंदर ज्यादा लोड कैपेसिटी मिलती है, ज्यादा पैनल कैपेसिटी मिलती है, तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा लोड कैपेसिटी पैनल कैपेसिटी वाला इन्वर्टर चाहिए तो आप यूटिल हेलिक की तरफ बड़े ही आसानी से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को यूटिल हेलिक नहीं मिलता है या कॉस्टली मिलता है जो हम बताते हैं, क्योंकि जो एनएक्सजी 1850 मॉडल है वो लगभग 11000 रुपए में आपको मिल जाता है और ये भी जो प्राइस है वो लोकल मार्केट के हिसाब से है। ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे तो क्या आपको 13-14000 रुपए में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इन दोनों में से जो यूटिल हेलिक है उसके अंदर आपको ज्यादा लोड कैपेसिटी पैनल कैपेसिटी मिलेगी और इसीलिए उसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन फीचर की बात करें तो दोनों के अंदर आपको एक यूनिक फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटिल हेलिक सीरीज के इन्वर्टर के फीचर के बारे में। तो हेलिक इन्वर्टर के फीचर की बात करें तो इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर मिलते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। सबसे पहले बता दें कि इसके अंदर आपको इनबिल्ट पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है, जिसकी मदद से सीधे इन्वर्टर पर ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। मल्टी कलर की एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, इसके अंदर कई अलग अलग कलर आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि अभी इन्वर्टर के अंदर क्या फंक्शन चल रहा है। और ये इन्वर्टर 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ में आता है और इसके अंदर आपको मल्टी स्टेज चार्जिंग भी मिलती है। और ये इन्वर्टर हमेशा सोलर को प्रायोरिटी देता है, चाहे लोड चल रहा हो या बैटरी चार्जिंग हो रही हो, मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है वो सोलर का पहले होता है। और प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर है, प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आपको काफी ज्यादा दी गई है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखी हुई है। और साथ में मैं यहाँ पर आपको इनकी कंप्लीट फॉर्म भी दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलती है। ये इन्वर्टर जनरेटर के साथ में भी कंपेटेबल है, तो इसके ऊपर आप इनपुट सोर्स के जैसे जनरेटर को भी लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर आईटी लोड को भी सपोर्ट करता है, तो कंप्यूटर जैसे प्रिंटर जैसे अप्लायंस भी आप इसके ऊपर कनेक्ट करके अपना काम चला सकते हैं। और ये एसएमएफ जेल ट्यूबलर जैसी बैटरियों को भी सपोर्ट कर लेता है। तो ये कुछ फीचर है जो कि इसके अंदर आपको मिलते हैं। और जो सबसे बढ़िया फीचर है जो मैंने बताया है, जो 3 मोड दिए गए हैं वो है, जिसकी मदद से बिजली के बिल को कम कर सकते हैं, बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो एनएक्सजी सीरीज के इन्वर्टर के अंदर काफी फीचर दिए गए हैं, लेकिन कुछ फीचर हैं जो कि कंपनी द्वारा ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंट चार्ज शेयरिंग दिया गया है, यानी कि ये आपकी बैटरी को ग्रिड और सोलर की पावर को मिक्स करके भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर 3 मोड दिए गए हैं जिससे कि आप बिजली के बिल को कम करने के साथ साथ बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं, जो कि है सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड। इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आने के बजाय 90 वोल्ट भी आ जाती है तो भी ये आपकी बैटरी को काफी अच्छे से चार्ज कर सकता है। और ऐसा ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और कभी कभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100 वोल्ट से भी नीचे चली जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे 90 वोल्ट की सप्लाई भी आती है तो भी ये इन्वर्टर आपकी बैटरी को बड़े अच्छे से चार्ज कर सकता है।
और इसके अंदर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर 500 VA का इन्वर्टर है तो 500 वोट के ही पैनल लगा सकते हैं, और कंप्लीट सीरीज के अंदर आपको यही फीचर देखने को मिलता है। तो ये कुछ फीचर है जो कि इस इन्वर्टर को खास बनाते हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों के अंदर अपने अपने यूनिक फीचर दिए गए हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि कौन सा इन्वर्टर की ज्यादा जरूरत आपको है। अगर आपको ज्यादा लोड चलाना पड़ता है और ज्यादा पैनल की भी आवश्यकता है, यानी कि 2 kW का ही सिस्टम आपको तैयार करना है, तो नो डाउट यूटिल हेलिक ही आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा लोड चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि 1 kW के सोलर सिस्टम से आपका काम चल जाएगा, तो ऐसे में NXG 1850 मॉडल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप 1 kW का लोड भी चला सकते हैं और 1 kW से अधिक पैनल भी लगा सकते हैं, और जो इसकी प्राइस है वो भी कम है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में से कौन सा इन्वर्टर आपके लिए परफेक्ट है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।